हेलो दोस्तों, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस क्या है स्टीम इंजन एंड स्टीम टर्बाइन में। ओके, सो इंजन एंड टर्बाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे ये वाले वीडियो में। सो बेसिकली स्टीम टर्बाइन, ओके, स्टीम टर्बाइन, टर्बाइन का फंक्शन क्या है कि पावर जनरेट करता है। जब हम स्टीम उसको देते हैं टर्बाइन को, तो हमको जनरेटर के थ्रू पावर मिलता है आउटपुट में। मीन्स वो पावर जनरेटिंग डिवाइस है। टर्बाइन क्या है? स्टीम टर्बाइन पावर जनरेटिंग डिवाइस। ओके, एंड स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में हम स्टीम देते हैं और उसके थ्रू पिस्टन सिलेंडर मूव करेगा, रेसिप्रोकेट होगा, और उसके थ्रू ये जो व्हील है उसको रोटेशन मिलेगा। ये बेसिकली लोकोमोटिव का इंजन लिया गया है। ओके, सो ये पावर कंज्यूम करेगा और हमको आउटपुट में वर्क देगा। यहाँ पे स्टीम को हम डालेंगे और हमको आउटपुट में पावर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है? टर्बाइन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है एंड स्टीम इंजन जो है वो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, और पावर कंज्यूम करके वर्क में हमको कन्वर्जन देगा। दोनों ही एज ए मैकेनिकल इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्बाइन एज वेल एज इंजन। टर्बाइन पावर जनरेट करता है, इंजन पावर कंज्यूम करके वर्क आउटपुट देता है। स्टार्ट करते हैं बेसिकली डिफरेंस स्टीम इंजन एंड स्टीम टर्बाइन का। सबसे पहली चीज, प्रेजेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास इज मशीन इज पुअरली बैलेंस। रेसिप्रोकेटिंग मास होने के कारण, पिस्टन सिलेंडर असेंबली होने के कारण, ये जो है उसका बैलेंसिंग ठीक नहीं है। स्टीम टर्बाइन, एब्सेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास इज मशीन इज प्रॉपरली बैलेंस, नॉट पुअरली बैलेंस, हाँ प्रॉपरली बैलेंस। सो दोनों वर्ड ध्यान में रखना, यहाँ पे पुअर है, यहाँ पे प्रॉपरली है। सो स्टीम टर्बाइन का बैलेंसिंग अच्छा रहेगा क्योंकि कोई भी रेसिप्रोकेटिंग मासेस है नहीं। सेकेंड, वाइब्रेशन प्रॉब्लम इज मोर। स्टीम इंजन में वाइब्रेशन प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्टीम टर्बाइन में वाइब्रेशन प्रॉब्लम इज लेस। नेक्स्ट, वियर टीयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई इन केस ऑफ स्टीम टर्बाइन। स्टीम टर्बाइन में वियर एंड टीयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ज़्यादा है। स्टीम टर्बाइन में वियर एंड टीयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम है। नेक्स्ट, लोअर मैकेनिकल एफिशिएंसी। स्टीम इंजन की एफिशिएंसी कम है, स्टीम टर्बाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मोर मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट, हायर स्पीड इज नॉट पॉसिबल एंड एडवाइजेबल। और हायर स्पीड में बात करेंगे तो मोर देन 3000 स्पीड है वो डिफ़िकल्ट टू अचीव है, एंड पॉसिबल भी नहीं है एंड एडवाइजेबल भी नहीं है स्टीम टर्बाइन में, स्टीम इंजन में सॉरी। एंड स्टीम टर्बाइन में स्पीड अप टू 40,000 RPM इज पॉसिबल। थर्मल एफिशिएंसी इज पुअर अप टू 15%, एंड यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी है वो 40% तक मिल सकती है। डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन बिल्ट एंड ऑपरेट लार्ज पावर यूनिट। बड़ा पावर यूनिट बनाना डिफ़िकल्ट है और उसके डिज़ाइन भी डिफ़िकल्ट है। लार्ज पावर यूनिट इज पॉसिबल एंड ईजी एज कम्पेयर टू स्टीम इंजन। विथ यूसेज स्टीम कंजप्शन इंक्रीजेस। जैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स उसका यूसेज बढ़ता जाएगा, स्टीम कंजप्शन है वो बढ़ता जाएगा। ओके, यहाँ पे विथ यूसेज स्टीम कंजप्शन डज नॉट इंक्रीजेस। टाइम के हिसाब से जैसे यूज करते जाएंगे तो स्टीम कंजप्शन है वो बढ़ता नहीं जाएगा स्टीम टर्बाइन में। सो आज के लिए बेसिक डिफरेंस था स्टीम इंजन एंड स्टीम टर्बाइन का। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि टर्बाइन जो है वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है एंड जो इंजन है वो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, लेकिन हमको वर्क आउटपुट देता है रोटेशन फॉर्म में या फिर रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ यू वॉन्ट मोर अपडेटेड वीडियोज, मोर टेक्निकल वीडियोज, मोर नॉलेजेबल वीडियोज विद मोर सिंप्लीफाइड मैनर। थैंक यू।